हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश। और आपने कभी ना कभी ये बात ज़रूर सोची होगी कि वो ऐसे कौन से 5 देश हैं जो एजुकेशन सिस्टम के मामले में टॉप पर हैं, और हमारा भारत देश क्यों इतना पीछे चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। 5th प्लेस पे आता है हांगकांग। इस कंट्री के एजुकेशन सिस्टम की खासियत ये है कि यहाँ पर पब्लिक स्कूल में भी फीस नहीं देनी पड़ती, लेकिन इस कंट्री में स्कूल में टीचर बच्चों के पेरेंट्स को ज़्यादा लुभा के रखते हैं ताकि स्कूल की रेपुटेशन बनी रहे। 4th प्लेस पे आता है सिंगापुर। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी एजुकेशन को दी जाती है, मतलब कि यहाँ पर टॉपर स्टूडेंट के साथ साथ एवरेज स्टूडेंट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन यहाँ पढ़ाई को लेकर बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। 3rd प्लेस पे आता है फिनलैंड। यहाँ के स्कूल्स बच्चों के एग्ज़ाम के नंबर पर कभी ज़्यादा फोकस नहीं करते, सिवाय एक स्टैंडर्ड नंबर के अलावा। बच्चे ऑफिशियली 7 साल से पहले स्कूल में नहीं पढ़ते, लेकिन यहाँ ज़्यादा छूट मिलने के कारण यहाँ के बच्चों का मन पढ़ाई से इजीली डाइवर्ट हो जाता है। 2nd प्लेस पे आता है जापान। जापान में मैनर्स बिफोर नॉलेज, मतलब कि बच्चे जब तक 4th क्लास यानी 10 साल के नहीं हो जाते तब तक उन्हें कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। स्टूडेंट को खुद ही स्कूल साफ करने की जिम्मेदारी दी जाती है। स्कूल अटेंडेंस यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली 95 का आंकड़ा भी बड़े ही प्यार से छुरी होती है। सोचो फ्रेंड्स, अगर हमारे स्कूल में ऐसा हो तो आप इसके ऊपर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। लेकिन जापान देश की सोसाइटी ये बिलीव रखती है कि सक्सेस इज नॉट डिपेंड ऑन स्किल्स और इंटेलिजेंस, बल्कि उनके एफर्ट्स पर डिपेंड करती है। 1st प्लेस पे आता है साउथ कोरिया। इस देश का पहले नंबर पे आने का रीज़न ये है कि यहाँ के बच्चों को पहले से ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बनाया जाता है, ताकि वो अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ कर अच्छी से अच्छी जॉब पा सके, जो आगे चलकर इस देश को पैसे की खान बना सके। इनके स्कूल ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों पर अपना ज़्यादा कंट्रोल रख पाते हैं। लेकिन ज़्यादा देर की स्टडी भी बच्चों को मेंटली बहुत अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाते अपनी सेहत का। ये इस देश की खामी है। आइए अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिनकी वजह से हमारा प्यारा देश भारत आज इतने पीछे है एजुकेशन सिस्टम के मामले में। 1st, टू मैनी एग्जामिनेशंस। 2nd, हमारा एजुकेशन सिस्टम प्राइवेट ट्यूशंस को ज़्यादा बढ़ावा देता है। 3rd, यहाँ फार्मूला ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंसेप्ट के मुकाबले, जैसे कि यहाँ के टीचर सोचते हैं कि आंसर निकालना ज़्यादा सही है एज़ कंपैरिजन टू कंसेप्ट को समझना या समझाना। 4th, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट और बुक होती है छोटे बच्चों के भी, जो काफ़ी अफेक्ट करती है आगे चल के। और 5th, हमसे हमेशा लेटेस्ट नॉलेज छुपाई जाती है या फिर उस नॉलेज को इग्नोर किया जाता है, और हमेशा पीछे की चीज़ें मतलब पास की चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। जो चीज़ आउटडेटेड हो गई है उन्हें भी अपडेट नहीं करा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।